अब उसके पास बताने के लिए कोई और समस्या नहीं बची थी। अब वह चुपचाप बैठकर बुद्ध की ओर ध्यान से देख रहा था और अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए बुद्ध के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा था। लेकिन बुद्ध चुप थे। किसान ने फिर कहा, हे बुद्ध, मैं आपकी शरण में आया हूँ, कृपया मेरे जीवन की इन समस्याओं का समाधान करें। बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। किसान आश्चर्यचकित होकर बोला, अरे यह आप क्या कह रहे हैं? सब कहते हैं कि आप सबके दुख दूर कर देते हैं, तो क्या तुम मेरी समस्याएं हल नहीं करोगे, इसलिए कि मैं एक गरीब किसान हूँ? बुद्ध ने कहा, मुश्किलें हर किसी के जीवन में आती है। जीवन में दुख और परेशानियां आना स्वाभाविक है। व्यक्ति के जीवन में अक्सर उसके कर्मों के अनुसार परिस्थितियां बदलती रहती है, जिससे सुख दुख निराशा और क्रोध आता है। नए रिश्ते का बनना, पुराने रिश्ते का बिगड़ना, रिश्तों में मिठास और कड़वाहट, ये सब सामान्य है। यह जीवन का हिस्सा है और यह जीवन का चक्र है। हकीकत तो यह है कि हम सभी के जीवन में 83 प्रकार की समस्याएं हैं। इन समस्याओं का समाधान आप और मैं नहीं कर सकते। जिंदगी और जिंदगी में बनने वाले रिश्ते स्थिर नहीं होते। एक दिन रिश्तेदार भी चले जाएंगे और जिंदगी भी खत्म हो जाएगी, लेकिन ये समस्याएं वैसे ही रहेगी जैसे आज आपकी जिंदगी में है और कल किसी और की जिंदगी में होगी। इस पर किसान अपना नियंत्रण खो देता है और क्रोधित हो जाता है और ऊंची आवाज में बुद्ध से कहता है कि हर कोई कहता है आप एक महात्मा, एक सिद्ध पुरुष, एक प्रबुद्ध व्यक्ति हो। मैं इस विश्वास के साथ आया था कि आप मेरी मदद करेंगे। यदि आप मेरी समस्याएं हल नहीं कर सकते तो मेरा यहाँ आना व्यर्थ था। हर कोई झूठ बोलता है कि वे समस्याओं का समाधान करते हैं। आपने मेरी एक भी समस्या का समाधान नहीं किया। तुमसे अच्छे तो वह महात्मा है जो 2 वर्ष पहले मेरे घर आए थे। उन्होंने मेरे लिए यज्ञ कराया, दान दक्षिणा दिलवाई और मेरे मन को असीम शांति मिली। कुछ सुख भी बढ़े और कुछ दुख भी कम हुए, लेकिन तुमने मेरी कोई भी समस्या का हल नहीं किया। तुमने मुझे सीधे तौर पर मना कर दिया। बुद्ध ने कहा, क्या वह सब करने से जीवन के सारे दुख समाप्त हो गए? इतना कुछ करने के बाद भी अब आप इतने परेशान क्यों हैं? अब आप पहले से भी ज्यादा दुखों में घिर गए हैं। तात्पर्य यह है कि जीवन में दुख कभी समाप्त नहीं होते। किसान बोला, तो क्या मैं मान लूं कि तुम मेरी मदद नहीं कर सकते? यदि आप ऐसी छोटी छोटी बातों का समाधान नहीं कर सकते तो आपके उपदेशों का क्या लाभ? बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारी 83 समस्या का समाधान तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, मैं तुम्हारी 84वीं समस्या का समाधान अवश्य कर सकता हूँ। किसान आश्चर्यचकित हो गया और बोला, 84वीं समस्या क्या है बुद्ध? बुद्ध ने कहा, यानी कि तुम अपने जीवन में कोई समस्या नहीं चाहते। आपकी सारी समस्याएं इसी समस्या के कारण उत्पन्न हुई है। यदि आप इस तथ्य को स्वीकार कर लें कि जीवन में समस्याएं मौजूद हैं और समस्याएं जीवन का हिस्सा है, तो आप जीवन की समस्याओं से विचलित नहीं हो पाएंगे। आप जीवन में आने वाली समस्याओं से विचलित हो जाते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि आप दुनिया के सबसे दुखी व्यक्ति हैं, जबकि सच्चाई यह है कि हर किसी को अपना दुख सबसे ज्यादा महसूस होता है। लेकिन जिस दिन आप यह समझ लेंगे कि मेरा कष्ट अन्य लोगों की तुलना में बहुत कम है, उस दिन से कोई भी दुख आप पर प्रभाव नहीं डाल पाएगा। जब तक आप नहीं चाहेंगे कि आपके जीवन में कोई परेशानी ना आए और आप हर दुख दर्द से बचे रहें, तो यह संभव नहीं है। ऐसे में छोटा सा दर्द भी आपको बेचैन कर देगा और आपकी मानसिक शांति भंग कर देगा। अगर आपके जीवन से परेशानियां पूरी तरह दूर हो जाएं, अगर आपको हर दिन हर पल बिना दुख और कठिनाइयों के जीवन जीने को मिलेगा, तो आप ज्यादा दिन तक ऐसा नहीं जी पाएंगे।
एक समय आएगा जब आप हर दिन एक ही तरह की जिंदगी जीने से पूरी तरह से तंग आ जाएंगे और ऊब जाएंगे, क्योंकि जीवन में किसी भी चीज की अधिकता जीवन के लिए भयानक समस्या पैदा करती है। आरामदायक जीवन जीने से आप मन और शरीर दोनों से विकलांग हो जाएंगे, तो ऐसे जीवन का क्या फायदा जो बाद में आपको नरक जैसा जीवन जीने पर मजबूर कर दे। जिस तरह खाना खाने का असली आनंद तभी मिलता है जब बहुत भूख लगी हो, और पानी पीने का असली मजा तभी आता है जब बहुत प्यास लगती है, उसी तरह जीवन के तमाम दुखों और परेशानियों को झेलने के बाद ही खुशी का आनंद मिलता है। इसलिए जीवन में सुख और दुख अलग अलग रूप में आते रहते हैं। हम चाहकर भी जीवन के सुख दुख को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन उनसे इतना ऊपर जरूर उठ सकते हैं कि कोई भी बड़ी समस्या मन को विचलित ना कर सके। इसके लिए अपने मन को शक्तिशाली बनाएं, धैर्य रखें, प्रतिदिन अध्यात्म का ध्यान करें, ज्ञान बढ़ाओ। यह आपके जीवन की सभी समस्याओं का समाधान है। इसे जीवन की चतुर्मुखी समस्या का समाधान कहा जाता है। महात्मा बुद्ध का यह अद्भुत ज्ञान पाकर किसान संतुष्ट हो गया और उसका मन बिल्कुल हल्का हो गया। मन में जो समस्याएं परेशान कर रही थी उनके प्रति जिज्ञासा शांत हो गई। किसान ने अपनी आंखें बंद कर ली और आनंद का अनुभव करने लगा। किसान को समझ आ गया कि वह अब तक क्या गलती कर रहा था और वह बुद्ध के चरणों में गिर गया। दोस्तों, उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। मैं आपसे फिर मिलूंगी अगली कहानी में। तब तक आप खुश रहिए और खुशियां बांटते रहिए। धन्यवाद।